वेलकम टू एस्टेनिकल। मेरा नाम है संबित। तो आज का इस वीडियो में आपको मिलेगा बोका इफेक्ट के बारे में। बोके बोका जो भी कहो, ये कहाँ से आया है, ये वर्ड क्यों यूज होता है और इसका ब्लर जो वर्ड है उसके साथ क्या रिलेशन है, इसका तो बंगाली या फिर कौन सा लैंग्वेज से चालित हुआ ये बोका या फिर बोके बोका बोके जो भी कहो, तो आज इस वीडियो में इनके ऊपर ही बातें होगा। और कौन कौन सा मोबाइल आपको बोका इफेक्ट रियली दे सकता है और क्यों नहीं दे सकता है, कौन कौन सा मोबाइल और इसमें क्या क्या ज़रूरी है, सब इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो बोका है एक जापानीज वर्ड जो कि जापानीज एक पीछे वाला बैकग्राउंड में अगर आपका लाइट्स हो वो ब्लर हो जाता है। ब्लर होने के बाद जब अपना लाइट्स काफ़ी हद तक राउंड सर्कल पे दिखाता है, ब्यूटीफुल ब्यूटिफिकेशन जैसा कुछ, और जो सर्कल जैसा कि सर्कल भी हो सकता है, सर्कल के हिसाब से देखो तो वो राउंड शेप में भी हो सकता है या फिर छः साइड वाला भी हो सकता है या बॉक्स करके आ सकता है। तो ये भी चेंजेस हो सकता है आपके मोबाइल या कैमरे से। ज़्यादातर ये बोका इफेक्ट होता है कि ब्लर से थोड़ा डिफरेंट है। ब्लर के बिना बोका इफेक्ट नहीं हो सकता, पर बोके में तो ब्लर तो होता ही है। तो ब्लर और बोके में कन्फ्यूजन जो है दोनों अलग ही है। आप कोई ब्लर वाला बैकग्राउंड को कह नहीं सकते कि ये बोका है और बोके को कह नहीं सकते कि ये पूरी तरह से ब्लर है। हाँ कह सकते हो, पर बोका कहना पड़ेगा जब इसको आप लाइटिंग के ऊपर देखने चाहते हो, बैकग्राउंड लाइटिंग से भरा हो और जो लाइटिंग से वो आपको सर्कल के हिसाब से या फिर डिज़ाइन के हिसाब से नज़र आने लगे, तो यही है बोका इफेक्ट। तो लाइट्स के बिना बोका इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। लो लाइट कंडीशन में भी आपका पीछे वाला बैकग्राउंड जो है बोका इफेक्ट डाल सकता है, पर विदाउट बैकग्राउंड लाइट्स आपका कोई भी बोका इफेक्ट नहीं होगा। वो सिर्फ ब्लर से ही पहचाना जाएगा। ब्लर जो है वो नॉर्मल कैमरा से अगर एपर्चर के हिसाब से शूट करो तो आपका जो एपर्चर हो जितना कम रहता है, यानी नॉर्मल जो किट लेंस दिया जाता है या फिर मोबाइल में एपर्चर रहता है करीब 4 से 6 तक, तो इसका जो एपरेचर है बोका करने के लिए आपको ज़्यादातर एपरेचर कम होना चाहिए, यानी 1.8 मैक्सिमम और मिनिमम जो है 1.2 जो लेंस है कैमरा के लिए आता है वो काफ़ी हद तक महंगा है। 2.5 लाख का भी लेंस आता है इस 1.2 का लेंस के लिए, 85 mm लेंस, और आपका एपर्चर रहता है कुछ 1.2 जैसा, और इसका प्राइस होगा 2,35,000 to 40,000 का प्राइस होगा इसका। और अगर आप उससे ज़्यादा यानी 1.4 का लेते हो, इसका पावर थोड़ा 1.2 से कम होगा, इसमें ज़्यादातर बोका इफेक्ट नहीं आएगा 1.2 जैसा, पर नॉर्मल लेंस से कई गुना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का फ़ोटो मिल जाएगा। लो लाइट कंडीशन में भी बढ़िया क्वालिटी का फ़ोटो मिल जाएगा और बैकग्राउंड जो ब्लर भी कर सकते हो और बोका इफेक्ट के लिए बहुत बढ़िया रहेगा जो 1.4 और 1.8 mm है। 1.8 mm से ज़्यादा लोगे तो उसके लिए बोका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं मिलता। 2.4 या फिर 2 mm जो लेंस होता है उसमें भी काफ़ी हद तक मिल जाता है, पर क्वालिटी उतना बोका इफेक्ट जैसा नहीं रहता। आपको मैनुअली थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत बोका के लिए। तो यही है सिमिलरिटीज, जो बोका है वो लाइट के बिना नहीं हो सकता और जो ब्लर है वो कहीं पर भी कहीं भी एपर्चर में हो सकता है। ब्लर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ब्लर बोका भी कम ज़्यादा डिज़ाइंड हो सकता है। और जो एपर्चर है आपको ख्याल रखना पड़ेगा, एपर्चर का जो लेंस लोगे 1.8 mm वाला, जहाँ से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ये 1.8 एपर्चर वाला लेंस है, प्राइम लेंस जो कैनन से लिया गया है, और ये 50 mm लेंस है। इसका प्राइस मुझसे लिया गया था करीब 8,000 रुपीज़, इंडियन के 8,000 रुपीज़ में ये लेंस खरीदा था। तो अगर 1.4 में जाऊँ तो मुझे देखने को मिलेगा कि
50,000 के आसपास इसका प्राइस होगा, 20 से 30,000 में मिनिमम का लेंस मिल जाता है। अगर आपको और भी वाइड एंगल वाला लेंस चाहिए अच्छी तरीके से बोका वाला इफेक्ट लेने के लिए, तो आपको लेना पड़ेगा कुछ करीब 50,000 के आसपास का लेंस ही लेना पड़ेगा। तो उसके बाद जो आता है 1.4, उसका प्राइस और भी ज़्यादा है, 50,000 या 40,000 से मिनिमम लेंस का प्राइस शुरू होता है 1.4 एपरेचर वाला। और उसका जो mm होता है वो 30 से लेकर 85 या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आप अगर जूम लेंस लेते हो उसके हिसाब से उसका प्राइस और भी बढ़ जाता है। तो ये काफ़ी देर तक 1,30,000 तक ही होता है, और उसके बाद भी शायद नया टेक्नोलॉजी के साथ आ जाता है। तो इसका एपर्चर जो है बोका इफेक्ट मिलेगा 1.8 से ज़्यादा 1.4 में, और 1.4 से ज़्यादा 1.2 में। तो इसका एपर्चर जितना कम होता जाएगा, यानी 1 से कम भी होता है अगर एपर्चर, तो आपका क्वालिटी जो पिक्चर क्वालिटी बोका इफेक्ट और ब्लर इफेक्ट बढ़िया मिलता है। अगर मोबाइल की बात करें तो मोबाइल कौन कौन से लेना चाहिए, जो बजट वाला मोबाइल आता है जो कहीं पर भी लॉन्च हो गया है, ई कॉमर्स साइट में भी दिख रहा है या फिर लोकल स्टोर्स में, जो कि ड्यूअल कैमरे से ड्यूअल टेक्नोलॉजी से बना हुआ है कहता है, पर वो बेकार सा चीज़ है, बजट वाला नहीं लो, वो ओवरऑल देखने में अच्छा लगता है मोबाइल स्क्रीन में, यानी छोटे वाला स्क्रीन में आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वहाँ पर डिटेल का पता नहीं चलता। अगर आप उसे बड़े स्क्रीन में देखोगे कंप्यूटर या फिर बड़े डिस्प्ले में, जैसे कि 40 इंच या 32 इंच डिस्प्ले पे मिनिमम अगर देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो एज है आपका वहाँ पर कैसे ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जो आपका पीछे वाला बैकग्राउंड का बोके इफेक्ट है वो ठीक से नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि उसका डिटेल्स भी होना चाहिए, लेंस का जो क्वालिटी हो और बढ़िया नहीं रहने के वजह से उसका बोका इफेक्ट नहीं मिलता है। सैमसंग गैलेक्सी S9 जो है, S9 प्लस जो है, वो आने वाले दिनों में शायद लॉन्च होगा। उसका प्रोसेसर पावर सब कुछ एक वीडियो फास्ट चार्जिंग के बाद भी वो काफ़ी हद तक पावरफुल रहता है कैमरे के हिसाब से, और कैमरा भी बहुत फास्ट कैप्चर कर लेता है और डिटेल के साथ। तो इसमें आपको बजट में तो नहीं मिलेगा ये फ़ोन, करीब 30,000 के ऊपर तो होगा ही। तो इसका जो डिटेल से अभी तक लीक नहीं हुआ, तो बाद में पता चलने के बाद आपको बता दूंगा। थोड़े थोड़े डिटेल्स हर दिन रिलीज हो रहा है, टिकटॉक्स पे जाके आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल में ही टिकटॉक्स के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएगा अगर इसका कोई न्यूज़ अपडेट होता है। तो इस लेंस को आप यूज़ कर सकते हैं फोटोग्राफी के लिए, बहुत मोबाइल फोटोग्राफी बहुत अच्छा रहता है, और इसमें 1.5 एपर्चर वाला लेंस आता है सैमसंग गैलेक्सी S और सैमसंग गैलेक्सी S9 में, और इसे 13 मेगापिक्सल का दो दो कैमरा रहता है सामने में भी और पीछे भी। तो सामने नहीं, पीछे जो कैमरा मिलता है आपको वो एपर्चर 1.5 वाला ही होगा, और इसका क्वालिटी बहुत फास्ट है, कैमरा जल्द से जल्द आपका फ़ोटो कैप्चर कर सकता है, और जो WDR टेक्नोलॉजी वो यहाँ पर यूज़ किया गया है, और PD टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया गया है, बहुत अच्छे से क्वालिटी मिलता है। आप अगर इसे ख़रीदते हैं तो आपका बोका इफेक्ट ज़रूर मिलेगा, और अगर आप करीब करीब ओवरऑल देखने के लिए बोका इफेक्ट का फ़ोटो शूट करना चाहते हैं या फिर वीडियो, तो आपको कहूँगा कि बजट फ़ोन ही ले लो, वहाँ पे आपका ओरिजिनल इफेक्ट तो नहीं मिलेगा, वो सॉफ्टवेयर से प्रोड्यूस होता है कुछ बोका जैसा, पर बोका नहीं है, इसका क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता। आप अगर कैमरे से बजट फ़ोन को ड्यूअल कैमरे से कैमरे को देखकर ख़रीद रहे हो तो ये गलती हो रहा है आपसे, मैं बार बार कह रहा हूँ ये ना ख़रीदे। और अगर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन देखकर ख़रीदते हो तो ये ओके है एकदम से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगा। आपको अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो मुझे पूछना मेरे कमेंट सेक्शन में, ज़्यादातर मैं रिप्लाई दे देता हूँ और आपको हेल्प होगा वहीं से। तो आज के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।